العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم सामिन वसामयात नाजरन व नाजरात अल्लाह रब्ज़त की तोफ़ीक से उसकी इनायत से हम अल्हम्दुलिल्लाह ला मुहर्रम की स्पेशल नश्रियात में शामिल हैं माशाल्लाह, आप सारे हज़रात बखूबी वाकिफ हैं और जिनको नहीं पता वो भी इन जान जाएंगे इन प्रोग्राम के ज़रिए कि हमारा मुसलमान होने के नाते अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और ईमान का दावा करने के नाते हम जिस अभी महीने में दाखिल हुए हैं वो इस्लामी पहला महीना है इस्लामिक फर्स्ट मंथ विच इज़ मुहर्रम, अल हराम नजर मोहतरम अल्लाह इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने जो हमें दीन दिया है उसमें सारी चीज़ें मुकम्मल कर दी हैं अब कोई भी ऐसा दीन है जो हमारे ऊपर उंगली उठाकर ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे दीन में मस्जिद के मसाइल तो हुए हैं लेकिन फ़लां जो लाइफ का एंगल है या फ़लां जो लाइफ का स्टेज आता है उस पर क्या है यानी आका सलाम ने जब यह ऐलान फरमाया फरमायाम् दी वम तो वरदीस्लाम दीना जब ये ऐलान फरमाया कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया अब मुकम्मल करने का मतलब क्या है ये नहीं कि अगर तुम्हें को घरेलू मुश्किल आए तो दीन का उसके पास जवाब ही ना हो हाँ अगर मसाइल मस्जिद के कुछ मसाइल आ जाएं, नमाज़ कैसे पढ़नी है रोज़ा कैसे रखना है हज कैसे अदा करना है जब इनके मसाल आएं तो दीन तुम्हें आंसर करे उसका जवाब दे लेकिन अगर तुम कोई और मसाइल पूछो और दीन में उसका जवाब ना हो तो सामिन अल अलम अकमल तो दीन अकुम ये जो ये जो ख़ुशखबरी है कि मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है तुम्हारे लिए फिर इसकी कोई तुख नहीं बनती अगर हम इस पर गौर करें तो ये ऐसी चीज़ है कि इस पर जितनी भी खुशी मनाई जाए वो बड़ी कम है उन्हीं में से यौम अकमल लकुम दीनकुम अगर कोई चाहे कि हम अगर, अगर अपना कैलेंडर फॉलो करना चाहें किसी भी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में तो उसको भी अल्लाह इज़्ज़त ने इस चीज़ के साथ मुकम्मल कर दी अब हमारा अपना एक कैलेंडर है उसके मुताबिक कई वाकयात हुए हैं इस महीने में इन शह हम आगे बयान करेंगे बड़े बड़े वाकयात जो हमारा जो पहला महीना है इसी को अगर इसकी अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें थोड़ी सी तारीख पढ़ लें मख़ीन को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने कैसी कैसी चीज़ें इसमें मैंशन की हैं तो इसलिए मैं बखूबी जानता हूँ खूससी तौर पर यानि हम मुस्लिम ममालिक में नहीं रहते और हम ज़्यादातर उम्मत मुस्लिमों होने के नाते भी या ज़्यादातर जो अवामनास जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो ज़ाहिर बात है इसवी है यानी हम इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं ठीक है यानी ये हराम की बात नहीं है लेकिन हम जिस चीज़ की तरफ तोजो दिलाना अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि वो ठीक है तनख्वाह भी उसी तारीख पर मिलती है ओके नो प्रॉब्लम हम फॉलो भी उसको कर दें लेकिन उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा इल्म हो जाए कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सह कराम ने ये जो जिन चीज़ों की यानी सहाबा कराम ने अदीस की रोशनी में जिन चीज़ों की बुनियाद रखी है कम अज़ कम इल्म तो हो कम अज कम पता तो चले कि जिस तरह रमज़ान आए तो हम सब को पता होता है कि अच्छा रमज़ान आ रहा है उसका चाँद देखते हैं वो यही महीने होते हैं इस्लामी कैलेंडर आज का महीना आया है उस पर हम बड़ी शोक वोक़ से यानी पता होता है कि अच्छा यह हज का महीना आ रहा है इसी तरह अगर और महीनों का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा फ़ायदा होगा ख़ास तौर पर मुहरम इसके बारे में अहादी शरीफ है आकार सलात ने अर्शात फरमाया कि ये शाहरुला है ये अल्लाह रब्रज़त का महीना है इतनी बड़ी बरकत वाला है एक सहाबी आए उन्होंने अर्ज़ की कि या रसोल्ला सलम रमज़ान के अलावा रमज़ान में तो सबको पता है फ़राज़ हैं रोज़ा रखना फ़र्ज़ है उसकी बड़ी बरकतें हैं तो सहाबी ने अर्ज़ की या रसोल्ला अगर रमज़ान के अलावा मैं किसी महीने को चूज़ करूँ जिसमें मैं रोज़े रखूँ अल्लाह रब्ज़त का कुर्ब पाना चाहूँ और ये इतनी अजीम नमत जो रोज़े की है इससे जिसम को भी और रूह को भी ताकतवर बनाना चाहूँ तो किस महीने में करूँ ओके मकल्म आका सलाम ने फरमाया कि मुहर्रम में मुहरम यह इतना बड़ा महीना है शाहरुल्ला है अभी अगर इसको एक यही टाइटल दे दिया जाए तो ये क्या कम है कुरान में आता है कि चार हरमत वाले महीने हैं और उन चार में से एक मुहर्रम है ये भी उसकी फ़जीलत आ गई तो इस तरह की काफ़ी फज़ीलतें हैं इसी पर यौम आशूरा आसमान और ज़मीन कलम और हज़रत आदम सलाम को इसी महीने में यानी योम आशूरा में पैदा किया योम आशूरा इसी में आएगी उसके बाद है कि इसी दिन हज़रत आदम सलाम की तोबा कबूल हुई ये जो महरखीन ने तारीख़ लिखने वालों ने हिस्टोरिकल पहलू से ये जो कुछ कुछ चीज़ें बयान की हैं देखिए कि जिस तरह हम प्लान करते हैं हम अपनी डायरी के प्लान करते हैं कि इस डायरी में इस तारीख़ ये ये चीज़ होगी इस तारीख ये नहीं होगी हम प्लान बनाते हैं अब हमें पता होता है कि किस चीज़ को किस तरह की नोइ़त देनी है किस चीज़ में कुछ ख़ास चीज़ें करनी है किस चीज़ में कुछ आम यानी सैर तफरी करनी है अब कोई आपको कहे हम यूके में रहते हैं कोई आपको कहे कि बड़ी सीरियस मीटिंग है लेकिन आप किस दिन अटेंड करेंगे संडे आप कहें कि मेरा फैमिली का दिन है छुट्टी का दिन है मैं उस दिन नहीं आ सकता यानी संडे हम ये बहाना बनाएंगे क्योंकि हमें पता होता है हमारी जो डायरी है वो मंडे टू फ्राइडे ख़ास ख़ास यानी काम के लिए है लेकिन ये जो सैटरडे संडे है ये फ्रीडम है थोड़ी सी सैर तफरी होती अब ये तो मैं तशबी यानी इस मिसाल को आप फेंक देंगे हमारा इसके साथ इसको कोई ताल्लुक नहीं मैं आपको समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ अब यही चीज़ देखिए कि जब अल्लाह रब इज़त कोई चीज़ पसंद फरमाए तो वो कादर मुतलक है उसका कोई भी अमल कोई भी काम अल्लाह रुबत का बग़ैर प्लान के नहीं होता और उसका प्लान ऐसा है कि सबसे बेहतर प्लान है ये अल्लाह रुब रिज़त की शान है वह हर चीज़ में अकमल है आला है सुबहान रबी आला है तो उसने देखें कि किस महीने में कौन सी चीज़ें की हैं अब इतने इतने बड़े वाक़ हुए हैं कि इसी दिन हज़रत आदम सलाम की तोबा कबूल हुई इसी दिन हज़रत इसराइम इदरीस सलाम को आसमान पर उठाया गया इसी दिन हज़रत नू आ सलाम की कश्ती को सैलाब से जो है रिहायता फ़रमाई निकाला उसको जो है किनारा कशी फरमाई इसी दिन हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया गया और उन पर आग जो है गुले गुरजार कर दी अब जब अल्लाह रब रिज़त उनको अपना खलील बनाना चाहे तो यही चीज़ यही दिन उन्होंने चूज़ फ़रमाया इसी दिन यानी इसी महीने में इन मशूरा की बात करें अमूमन यानि इसी महीने में फिर हज़रत हज़रत इसमायल की पैदाइश हुई तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसी दिन हज़रत सलाम को कैद खाने से रिहाई मिली इसी दिन हज़रत यूसफ्लम हज़रत याकूब सलाम एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई अब मुलाकात कब भी हो सकती थी लेकिन दोनों अम्बिया थे और अल्लाह इज़्ज़त की मंशा के बग़ैर नबी कदम भी नहीं उठाते कुछ भी नहीं करते जब उन्होंने मिलाप हुआ इसी दिन को चूज़ किया यानी इसी महीने में इसी दिन को चूज़ किया तो उसकी बड़ी हमत है इसी दिन हज़रत मूसा आसमाम उनकी कौम बनी इसराइल और फिरौन के ल्म से निजात तहफरमी गई इसी महीने में हम आगे बात करेंगे कि हज़रत उम्र फारूक रदी अल्लाह कितनी बड़ी हस्ती है उन्हीं की शहादत हुई और वह पहला मुहरम ही था इसी महीने में फिर हम जाएंगे आशूरा हज़रत इमाम हसन के भाई हज़रत इमाम रदी अल्लान आकाम के प्यारे नवासे जो सैदा शबाब यहाल जन्ना जन्नत के सरदारों में से जो है यानी जन्नत के सरदार हैं उनकी शहादत बीस महीने में हुई तो ये तो ये जो सारी चीज़ें हैं नजर मोहतरम इसका अर्ज करने का मकसद ये है और भी बहुत सी चीज़ें मैं सारी आगे अर्ज़ कर देता हूँ वैसे थोड़ी बरकत के लिए इसी दिन हजरत अयूब आसमाम की सख्त बीमारी से शिफा याबी उनको नसीब हो जो बीमार हैं घरों में अगर उनको ज़ाहिर बात है जब भी अल्लाह रबत की बारगाह में दुआ करें कबूल होती हैं यानी हमारी तरफ़ से कोताही होती है यानी हमारे अपने गुनाह होते हैं हराम की तरफ़ यानी तो ज़्यादा होती है बिल्कुल पूरा लिंक अल्लाह रबत की तरफ से हम यानी जोड़ने में कासर होते हैं उस वजह से दुआएँ रुक जाती वरना अल्लाह की बारगाह में जिस वक्त दुआ की जाए कबूल होती लेकिन कुछ ऐसे माहौल होते हैं कुछ ऐसे महीने होते हैं कुछ ऐसे औक़ात होते हैं कि उनमें अल्लाह की तरफ जब रजू किया जाए अल्लाह रबिज़त की तरफ तो दुआएँ ज़्यादा कबूल होती तो जो बीमार हैं इस महीने में ज़्यादा दुआ करें तो आप देखिएगा आप ये भी वास्ता दे सकते हैं कि यार अब इसी दिन तुझे हज़रत अयूब आसम की लंबी बीमारी थी उनको शफात फरमाई तो मुझे भी जो है शिफात फरमा तो ये भी हो सकता है इसी दिन हजरत यून सलाम को मछली से निकाला गया अब मछली क्या है एक कब्र थी कितने दिन आप उधर रहे बगैर खाए पिए यानी बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे लागर हो गए थे फिर जब बाहर आए तो फिर जो है सेहतियाबी नसीब हुई तो जो बीमार हैं फिर वही आता है और ऐसी मुश्किल में है कि कहीं से पता ही नहीं चलता कि कैसे जो है यानी वो रोशनी और नूर नसीब होगा तो अब ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें कि या अल्लाह अल्ला हज़रत यून सुहाँ को मछली में वो भी एक बंद कब्र थी अगर वहाँ पर जो है रिहाई तः फरमाई तो हमारी मुश्किलें है क्या हैं तो ये जो चीज़ें इन मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह रबरज़त की जो जात है वो बहानमी जो बहानमी नमी जोह यानी उसको एक इशारा काफ़ी होता है जब आप वास्ता देंगे उसने उनके प्यारों का तो इन भी कबूल होंगी इसी दिन हज़रत यून सलाम की कौम की तोबा कबूल हुई और उनसे अज़ाब को टाला गया इसी दिन हज़रत सलाम की पैदाइश हुई और ये सारे आखिरी मैं मेरा ये मौजू नहीं है हम किसी और की तरफ इंशाल्लाह मौजू की तरफ चलेंगे लेकिन मैं ये बरकतन ये चीज़ें अरसाद जो है अर्ज़ कर दी हैं ताकि हमें पता चले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेस्ट प्लानर है वो जो कोई भी काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात फ़रमाना चाहती है तो उनके पीछे एक पूरा प्लान होता है जैसे हम छोटे छोटे प्लान बनाते हैं लेकिन अल्लाह की बारगाह में जो है जब इस तरह के काम किए जाते हैं तो ये जो महीना है इसमें बड़ी बड़ी इस तरह के वाकयात हुए हैं तो इन कोशिश करें कि कम अज़ कम थोड़ा सा नॉलेज हो आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप जी अपने यानी अगर हम यूके में या इस किस्म की पाकिस्तान में भी ऐसी है यानी अगर आप किसी नौकरी कर रहे हैं और आप ऐसे तो जाके नहीं कह सकते अच्छा जी मुझे इस्लामी तारीख के महीने के मुताबिक आप मुझे तनख्वाह दिया करें ओ जी मैं इस्लामी तारीख के मुताबिक मैं इस दिन छुट्टी करूँगा इस दिन ही करूँगी दस इम्पॉसिबल यू हैव टू लिव विद अदर वर्ल्ड अदर पीपल हमने यानी ज़िंदगी भी गुजारनी है और ये हराम चीज़ में से नहीं है बाज़ लोग बड़ी सख्त तबीयत के होते हैं और वह फिर यानि अटैक करते हैं कि ऐसे क्यों नहीं होता ऐसे क्यों नहीं होता इस्लाम इस चीज़ का नाम नहीं है इस्लाम नाम है अहतदाल का यानी थोड़ा बहुत अगर हराम नहीं है तो बाक़ी ठीक है अब अगर हम उस तारीख को फॉलो कर रहे हैं इस वी को और हर चीज़ यानी उसके मुताबिक चल रही है ये तो इजोक है लेकिन उसके साथ साथ ये भी मतलब नहीं दूसरी तरफ इतना लेजीपन हो कि मुहर्रम भी आए पता ही न चले रमज़ान आ जाए ऐसे होता है ना उजुबिल्ला यानि हमारी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि हमें पता ही नहीं चलता कि रमज़ान आया वो भी गया जुम्मे का दिन आया इतनी बड़ा ईद वाला दिन है ये आया पता ही नहीं चलता महीना गुजर जाता है जब तनख्वाह मिलती है तो वो भी इधर से आई उधर से निकल गई फिर बरकत कहाँ से होगी तो नजर मोहतरम मुसलमान का शेवा है नॉलेज इल्म ये उसकी मीरास है आका सलाम ने फरमाया ये तुम्हारी मीरास है अब इल्म जो है एक मुसलमान जब चल रहा हो तो उसे सिर्फ़ यानी थोड़ा सा एक कोने यानी किसी को मस्जिद का इल्म है बाकी पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है और किसी को बाहर का इल्म है और मस्जिद में जाए तो पता ही नहीं जनाजा भी किसी को कैसे पढ़ना है तो ये जो है मतजाद चीज़ें यानी हमें मल्टी टास्किंग होना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा इल्म सारी चीज़ों का हो ताकि अगर कोई बात आ जाए पॉलिटिक्स में बात आ जाए तो उस पर भी थोड़ी सी बात करनी आए ज़्यादा नहीं थोड़ी सी अगर हमको दीन का कोई मसला हो तो उस पर भी थोड़ी बहुत सूझबूझ हो ताकि हम जो है फिर गुमराहि से बच सकें वरना बैल बकरियों की तरह दीन में भी ऐसे हो रहा है कि कोई कुरान के नाम पर जो है आपको जना बड़ा आपके बच्चों को भी फिर बड़ा दूर ले जाते हैं नाम कुरान का यूज़ करते हैं वो क्यों होता है कि आपको पता ही नहीं और इसी तरह जो दुनियावी बात आती है तो वो भी बच्चे फिर यानी एक ही तरफ चल कर तो फिर बाद में उन्हें कुछ अगर अल्लाह की रहमत हो तो बाद में ख्याल आता है कि हमारा दीन भी कुछ है तो उसको भी पढ़ना चाहिए तो फिर ये जो है यानी बड़े फ़ासले बन जाते हैं तो हमें ये नहीं सुन्नत ये है और सहाब कराम का तरीक़ा ये है और हमारे जो पिछले उलमा हैं जो महदसिन गुज़े हैं उन सारों का तरीक़ा ये है कि वो सारे को साथ साथ चलाते थे अब अलहमदल्ला यानी थोड़ा बहुत जोल्ला रब ने तोफीक दी है मिसर में जाकर अगर अल अज़र में अगर आप जाएँ मेरी वहाँ पर राजी हुई देखें अगर उधर जाएँ तो आप देखिएगा कि वो जो स्कॉलर निकलता है मैं हैरान हुआ था कि हमारे शयूख में से हैं दिन को बैंक में काम करते हैं बिल्कुल बैंक मैनेजर हैं कोई डॉक्टर है और वही जब रात को आते हैं और मसल्ले पर तिलावत करते हैं तो आदमी हैरान हो जाता है यानी इतना नॉलेज है दोनों तरफ तो ये है अतदाल और ये भी इबादत है और ये भी इबादत है इबादत मजार बातें कुछ ज़्यादा नकियाँ किसी में मिल जाती हैं कुछ कम मिलती हैं कुछ के यानी तौर तरीके तरीकेदा हो सकते हैं लेकिन है भी ये भी इबादत दोनों इबादत हैं इस पर हदीस है एक सहाबी आए उनके हाथों पर थोड़े सख्त निशान थे बड़े निशान थे आकरमा तुम्हारे हाथों पर निशान क्यों है क्या करते हो उन्होंने फरमाया रसुल्ल बीवी बच्चों की देखभाल करता हूँ मेहनत करता हूँ इस वजह से तो आकाले सलाम ने उनके हाथों को चूमा और फरमाया कासिम हबीबुल्लाह कि जो रिज के हलाल कमाए मेहनत करके कमाए तो मतलब वो अल्लाह का दोस्त है अब हम समझते हैं कि दोस्ती क्या है मुसल्ले पे है लेकिन ये एक उसका तरीक़ा है लेकिन ये नहीं कि हर वक्त मसल ही है मसल से बाहर भी बड़े काम हैं जिससे अल्लाह की कुर्बत हासिल की जाती तो नाज़िर मोहतरम ये चीज़ें इंशाल्लाह हमने सीखनी है तो हमने ये जो मौजू रखे हैं इन आपको बड़े उन्हामाएँ आएंगे बड़े बड़े खिताबात इंशाल्लाह करेंगे और भी ज़्यादा नॉलेज इस पर जो है इंशाल्लाह इस महीने में आपको मिलेगा लेकिन हमने जो शुरुआत की है कि हमें कम अज़ कम पता हो कि हमारा कैलेंडर जो है कब से शुरू होता है और उसमें चीदा चीदा, चीदा चीज़ें अच्छा इस महीने में ये हुआ है इस महीने में ये वाक़ हुए हैं इस्लामिक कैलेंडर इन अगर आप लेंगे तो उसमें सारी चीज़ें दर्ज होती और एक यही है आपकी मीराँ भी कायम रहेगी मीराश क्या है नॉलेज है तो इनशाला वो भी कायम रहेगा वो भी रीनीव होगा कोई भी परफेक्ट नहीं होता मुसलमान यानी इंसान नसीान से भी है इसका एक मादा यानी भूल जाता है हम हर वक्त यानि हर महीने में उसके मुताबिक इस्लाम चैनल उर्दू हो उनकी टीम हो हम सारे यहाँ पर यानि ये रिमाइंडर होता है कि ए भूली हुई उम्मत इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो कर लें ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए दुनिया के काम भी चलते रहें चलते रहेंगे और लेकिन उसके साथ साथ जो है ये दीनी मामला भी ये भी चलते रहें तो नजर मोहतरम इस पर जो दो तीन चीज़ें जो है इनशाला हम उस पर बात करेंगे लेकिन आपको पता है कि जो है हमारे प्रोग्राम जो होते हैं आप ही के लिए होते हैं आपके जो भी सवाल वगैरह हों इन आपके वो लिए जाएंगे कॉल भी इन शाला कॉलों का सिलसिला भी होगा जो भी आपका मसला हो जो भी आपको चीज़ शेयर करना चाहें तो इनशाला वो भी आप शेयर करेंगे फ़ोन नंबर भी आपके पास है अगर नहीं है तो इनशालाक्रीन पर भी आ जाएगा वो भी आपको दिखाएँगे और इसके साथ साथ चूँकि ब्रेक का टाइम होने वाला है तो हम उसकी तरफ चलते चलते कुछ एक दो और चीज़ें जो है इन अर्ज़ करके तो फिर हम ब्रेक के बाद दूसरे मौजू की तरफ जो है आएँगे अच्छा इसमें मुझे अभी मैं देख रहा था कि हज़रत इसी महीने में हज़रत ईसी सलाम को यहूदियों के शर से अल्लाह रबत ने निजात फरमाई अब ज़िंदगी में होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं यानी कुछ इसी वजह से तो आखिरी सूरत है सेकिन ला सूरत गलाउ फलक मिन शर्र मा माहक यानी अगर आपको कोई ज़िंदगी में होता है कुछ अच्छे इंसान मिलते हैं कुछ बुरे मिलते हैं तो अगर शर से निजात चाह चाहें आप और या मेरी ज़िंदगी से अच्छे जो लोग हैं वो रहने दें और बुरे निकाल दें ये भी एक बहुत ख़ास दुआ अगर इस पर आप गौर करें कि आकार ने फरमाया कि तुम हमेशा अपने दोस्त से पहचाने जाते हो आदमी हमेशा अपने दोस्त थे यानी आप आप किन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं यह भी एक चीज़ है तो इन इसमें वो भी दुआ की जा सकती है कि अल्लाह इस महीने में मैं तुमसे अर्ज़ करती हूँ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अच्छे लोग दें और अच्छे लोग मांगना ये हम बार बार दिन में तकरीबन बत्तीस मरतबा मांगते हैं क्योंकि आपने गौर किया है वो क्या है एह दिन सरातुलमुस्तम सरातलनामताही बार बार कहते हैं ये उन लोगों के साथ चला उन लोगों के रस्ते पर चला और इसके ये भी हो सकता है कि उन लोगों को मेरी ज़िंदगी में उनके तौर तरीके ऐसे लोगों को ला जिन पर इनाम हुआ है तो ये भी जो है एक चीज़ है यानी यह इसका एक बहुत बड़ा अमल दखल है अब देखें अगर आपको ग़लत चीज़ों पर इसकी बहुत सी मिसालें यानी हर मौजू को खोलें तो एक बड़ा मौजू सामने आ जाता है लेकिन वो टाइम नहीं होता तो इस पर भी काफ़ी हादि शरीफ है तो इन पर भी इन गौर करना चाहिए आगे है कि इसी दिन हज़रत ईसी की पैदाइश हुई मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि किसी दिन भी हो सकती थी लेकिन अल्लाह रबत ने इस महीने को चूज फरमाया और हम ख़त्म करने की तरफ मैं आ रहा हूँ इसी दिन दुनिया में पहली बार इसी महीने में रहमत नाजिल हो बार रहमत यानी बारिश अभी आज यू के में बारिश बड़ी हो रही है पता नहीं और ममालिक में क्या हो रही इसी दिन जो है यानी इस महीने में फिर शुरा के दिन में जो है अल्लाह रब ने बारिशरमाई और आखिरी चीज़ जो आर्ज़ करने लगा हूँ दो चीज़ें इसी दिन यानी इसी महीने में फिर हज़ू अक्रम सल व्ल्लम ने हज़रत खतीजा रदी अल्लाह ताल के साथ निकाह किया गया अब इस पर एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नॉर्मली कुछ उलमा भी कहते हैं कि अदब का तरीका यह है कि इस महीने में निकाह नहीं होना चाहिए यानी वो क्यों नहीं होना चाहिए कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्ल् ने कि हज़रत उमर फ़ारूक रदील्ला तहादत इसमें हुई है लेकिन ये जो चीज़ है यानी ये अगर किसी ने निकाह किया तो हराम नहीं अब मैं आपको इसकी दूसरी वजह बताता हूँ जो अलमा कराम ने अर्ज किया है कि हमारी जो शादियां हैं नाउज उनमें जिस तरह की हालतें होती हैं हमारी गाने बाजे या इस किस्म के फाहश कलामी या ये जो चीजें होती हैं इसकी हमत को सामने रख कर भी ने कहा कि कम अज कम इस महीने में हया कर लिए कर लेकिन अगर कोई निकाह करना चाहे सुनत के मुताबिक तो ये जायज है तो उम्मीद है यह भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी लेकिन आपको मैंने अर्ज़ कर दिया है कि आप किसी को कहें जी कि चुप करके आप निकाह कर दें सुन्नत के मुताबिक पहले तो आपके रिश्तेदार ही आपको ताना देंगे कि क्या आपको पैसे बचाने थे बड़े कंजूस हो गए हो ये हो गया पार्टी ने की ये नहीं किया फला नहीं किया यानी हम उस माहौल में रहते हैं कि नावज़ बिल्ला हम दूसरों को ताना देते हैं कि तुमने ये गुनाह क्यों नहीं किया ये क्यों नहीं किया पार्टी बुलानी थी नाउज़ बिल्ला ये काम करना था तो ये आपने उम्मीद यानी थोड़ा सा गर्जेन को ओपन रख कर सोचें बग़ैर यानी आ, किसी इख्तलाफ़ के तो इन शह यह बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी जाए। और आखिरी चीज़ जो है नजर मोहनम इसी दिन खूफी फरेबकारों ने नवाज़ शाह रसूल सल्लम और जिगर गोशा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह शहादत पाक इसी महीने में हुई इस पर मैं मैं याज़ करूँगा यह भी पता है आपको कि अगर थोड़ी सी अहल बैद की बात कर दें तो फिर वो भी यानी कहते हैं कि अच्छा ये इस फ़िरके से इस फिरके से ब्रेक के बाद इन थोड़ी सी जो मेरी समझ में थोड़ी सी बात आई है इनशाला वो मैं आज़ ए स्टूडेंट होने के नाते दीन का वो भी अर्ज़ करूँगा और वो बड़ी ज़रूरी बात है क्योंकि आज कल जो है हमारी नई नस्लें भी इस जो है शक में शुबह में मुबतला हैं तो इन शाम हम कोशिश करेंगे कि उसको भी थोड़ा सा खोलें लेकिन ब्रेक के बाद होगी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आपकी कॉल्स भी इन आती रहेंगी ملتنه بريك بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامي النازرين بريك بعد محرم كي جو سبيشل نشرياتن برنامج مهازي अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने ब्रेक से पहले जिस चीज़ को जानने की कोशिश की जिस चीज़ की तरफ़ थोड़े थोड़े इशारे दिए कि इस्लामिक पहला महीना है मुहरम ये बड़ा बरकत वाला महीना है और इस में कौन कौन से यानी वाकयात हुए उसकी चीदा चीदा इशारात के मुताबिक यानी थोड़े थोड़े इशारे देते हुए हम गुज़रते गए कि ये अल्लाह रबत ने जो भी इसमें मामलत फरमाए हैं उससे भी इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना मुहर्रम यानी कितना पाक महीना है और इन उन चार महीनों में से है जो मुहर्रम है तो ये जो है अलहमदिल्ल हमने समझने की कोशिश की अब इससे पहले कि मैं आगे चलूँ आपको पता है ये आपका प्रोग्राम है इन शाला अगर आपकी कॉल्स वगैरह हों सवाल वगैरह हों तो वो भी आप कर सकेंगे नंबर आपके पास होता है तो इन शाला उस पर भी आप इसकी तरफ भी इशारा है नजर मुहतरम चूँकि ये नया साल है अब इसमें दो चीज़ें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ पहली बात ये जो है हज़रत इमाम हुसैन रदील्ल तहादत पर इन और भी प्रोग्राम करेंगे उन पर काफ़ी मौजूद होंगे पूरी बात होगी यहाँ पर यह जो मैं बात अर्ज़ करने लगा हूँ चूँकि ये इब्तदा है तो एक नया महीना है और नए महीना हमेशा आप सुनते हैं कि न्यू ईज़ रेजोल्यूशन न्यू रेवोल्यूशन यानी न्यू ईयर के जो लोग इरादे करते हैं एक एम्स करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको रिटर्न करते हैं कि इस साल में मैंने ये ये काम करने अब मैं हमेशा इन चीज़ों को इसकी तरफ़ देखता हूँ कि जो भी मौका आए जो भी मौका आए उस पर अगर आदमी को अपनी ज़िंदगी दुनिया व आखिर अगर संवारने का कुछ मौक़ा मिल जाए तो उसको फ़ौर पकड़ लेना चाहिए अगर न्यूज़ मिसाल के तौर पर हम ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हैं दो हज़ार इक्कीस से हम सदी में हैं तो अगर उस रात भी आपने कोई बिल्कुल इरादा किया है कि यार पिछले साल 2020 में मैंने ये ये काम नहीं कर सका अब 2021 में मैं ये काम करूँगा ये करूँगी वो भी ठीक है ये आराम तो नहीं मैंने आपसे कहा है कि आपका इरादा हो कि कोई ऐसा मौका आए कि कम अज़ कम मैं अपने आप को झंझोड़ूँ कि मेरा जो है कुछ ना कुछ अमल ठीक हो जाए ताकि मैं अल्लाह के साथ भी अपना रबता ठीक कर लूँ और जो दुनिया की ख़तएँ हैं जो मेरे अंदर कमियां हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग परेशान होते हैं उनको भी कम से कम सेल्फ रिफ्लेक्शन के ज़रिए तो उन पर फिर जो है काम करते करते अपने आप को ठीक कर लो अब एक वो मौका था अभी एक ये मौका है मुहर्रमुल हराम अब इस महीने में इन आप न्यू ईयज़ की रेजोल्यूशन जो है जो भी आपका इरादा है अगर आप करना चाहेंगे अगर आप उसका पक्का इरादा करें कि यार अब तेरे और तेरे हबीब की मनशा से ये प्यारे महीने जो है तरतीब पाए हैं सहाबा कराम ने इनको तरतीब दिया है तो मैं इसके मुताबिक नए साल के मुताबिक यानी इस्लामिक न्यू ईयर के मुताबिक मैं ये इरादा करती हूँ या मैं ये इरादा करता हूँ कि इस साल से लेकर अगले साल तक यानी अगले मुहरम तक मैंने इन शे काम करने हैं तो ये क्या होगा आपको मुफ्त में नेकी मिल जाएगी इरादा पक्का होना चाहिए अल्लाह की ज़ात जानती है लेकिन यह उसकी रहमत है कि आप सिर्फ इरादा करें काम ना भी करें तो आकर ने फरमाया उस वक्त भी नेकी लिख दी जाती ये नेक इरादे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ज़ाहिर बात है बुरा इरादा हो नाउज़ बिल्ला लेकिन अल्लाह की रहमत देखें कि वो उस वक्त तक बुराई नहीं लिखता फरिश्तों को कहता है अभी रुक जाओ हो सकता है मेरा बंदा अपना माइंड चेंज कर ले तब तक मत लिखना इसकी बुराई जब तक ये एक्चुअली बुराई कर ना ले तो ये उसका करम है तो नजर मोहतरम ये जो है मोटिवेशन का एक एक राह है जिसकी तरफ हमने थोड़ी सी तवज्जो देनी है कि यह हराम है बड़ा प्यारा महीना है बरकतों वाला है रहमतों वाला है इसमें दुनिया भी संवर सकती है आख़रत भी संवर सकती है लेकिन कब जब हम अपने अंदर तब्दीली लाने की कुछ कोशिश करेंगे अब इसकी दो जहतें हैं यानी जिस पर हम बात को ले जा सकते हैं और दोनों ठीक हैं यानी कुरान ने क्या कहा हमेशा याद रखें कि रबना फ़िर दुनिया हसन व फिर आख़िरत हसन अल्लाह रबत ने इसमें बड़ी हमत फरमा दी फरमाया तुम दुनिया में रहोगे और आख़रत भी तुम्हारा घर है उधर भी रहोगे अब तुम क्या करो दोनों को हसन करो दोनों की जो है हसन दोनों की अच्छाइयाँ जितनी जितनी दोनों में अच्छाइयाँ तुम्हें मिले उनको अपनी जिंदगी में लाओ अगर यह बात ना होती सिर्फ आखरत ही होती तो हमें यह हुक्म ना दिया होता कि रबनाती ना फिर दुनिया हसन फिर तो दुनिया का जिक्र ही नहीं आता लेकिन यह भी नहीं है कि अल्लाह दुनिया में ही बस देना है हमने इधर ही रहना है और जो दार आखरत है जो हमेशा की जगह है उसको भूल ही जाए तो देखा है आपने अतदाल ये अगर चीज़ आ जाए तो यकीन जानिए हमारा जो जो है दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए और ये जो मौका है ये वो है जब हमने अभी दो इरादे हम कर सकते हैं देखिए मैंने शुरू में आपसे कहा है कि कोई भी बंदा कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं है हम सारे कई कई खामियों का जो है शिकार है बड़ी बड़ी खामियां हैं मेरे जो एक शेख थे वो अपने नाम के साथ लिखते थे मैं जब तालब इलमी के दौर में था शुरू शुरू में तो जब वो अपने नाम के साथ लिखते थे कि आहकर अलाइबाद एक होता है हकीर एक होता है आहकर अभी अगर थोड़ी सी लगत की तरफ आप जाएँ अरबी की तरफ तो आहकर ये इसमें तफजील का सीखा है यानी ये सबसे जो है हाई अगर किसी को ऊपर या नीचे लेके जाना हो तो ये सीगा इस्तेमाल करते हैं हम क्या कहते हैं अल्लाह कबीरा नहीं कहते कबीरा आपका माना भी है भी अभी बड़ा लेकिन हम क्या कहते हैं अल्लाह अकबर यानी वो ऐसी ज़ात है अल्लाह की जात के जो सबसे बड़ी है सबसे आला है और मेरे शेख जो है वो साथ लिखते थे कि अहकरुल इबाद अपने नाम के साथ लिखते थे अब आखकर का माना है सबसे ज़्यादा हकीर सबसे ज़्यादा आजिज़ बंदों में से सबसे ज़्यादा नीचे यानी हकीर वो साथ ये लिखते थे तो मतलब क्या है कि अगर आदमी हो और वो सोचे कि नहीं मुझ में तो ख़ामी कोई नहीं मुझे क्या ज़रूरत है और लोग जाएं अपनी जो है नसीहतें भी सुने और अपनी असलाह करें मैं बस ठीक हूँ तो ये चीज़ मुसलमान का शेवा नहीं है ये यानी एक मोमिन होने का दावा के नाते यानी ये हमारा शेवा नहीं तो हम में कमियां हैं बड़ी बड़ी कमियां हैं और अगर मैं अपनी तरफ देखूं तो पता नहीं हज़ार कमियां नज़र आएंगी तो अगर हम ये मान जाएं कि हाँ हम में कमी है तो ऐसे जो मौाक़े होते हैं फिर ये बड़े बड़े ताउन करते हैं बड़े मददगार साबित होते हैं जैसे होता है ना न्यू इय के रेजोल्यूशन हम कहते हैं अच्छा जी वेट लूज़ करना है तो दूसरे दिन यानी जनवरी से आपको पता होता है अच्छे वेजिटेबल्स खाने हैं तली हुई चीज़ें नहीं समोसे पकोड़े जितने भी खा लिए हैं बस गए अभी नहीं थोड़ी सी कमी करनी है तो ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं वो एक मौका होता है यानी सारे कर रहे हैं चलो चलो हमें भी करना चाहिए तो मतलब क्या आप बेहतरी की तरफ ला रहे हैं अपने आप को तो ये चीज़ भी अगर हम मुहर्रम को उस नज़रिए से भी और भी बाकी इन जो रूहानी जो है तफसीरत हैं वो साथ साथ करते रहेंगे लेकिन मैं आपको शुरू से अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक ये भी एंगल देखें कि अगर हम इसको इसी तरीके से शुरू कर दें कि यार अब ये जो तेरा पाक महीना आया है मैं इसमें ये प्लान करती हूँ और प्लान करता हूँ कि मैंने इसमें ये ये चीज़ें अचीव कर ली ये करनी अब इसको आप दोनों तरफ ले जाए सारी चीज़ें एक तरफ नहीं एक एक वक्त में नहीं पकड़ सकते ये बिल्कुल यानी ना अच्छा तरीका नहीं है यानी यह भी मैं करूँगा ये भी मैं करूँगा ये, ये भी कर सकता हूँ ये भी कर सकता हूँ जब सारों को लेकर एक ही दफ़ा लाएंगे तो आप बिल्कुल जो है आप ख़त्म हो जाएंगे दूसरे दिन ही आपका जो है दिल टूट जाएगा और कहेंगे नहीं आप भी खेम लेजी अगेन तो हमने ये नहीं करना सिर्फ एक चीज़ पकड़ें अच्छा चले इसे कर लेते हैं एक दुनिया की पकड़ लें दुनिया हसन व फिल आख़िरत हसन एक आखिरत की ले लें अब दोनों को जो है यानी दोनों का ताल्लुक आपस में है कोई ये नहीं कह सकता कि यानी दुनिया की बिल्कुल दुनिया की नहीं ये आपस में लाजिम और मलजूम है तो ये ये अगर एक हम इधर से ले लें एक इधर से ले लें अब मैं इसकी मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि सेहत है अब सेहत को आपने अचीव करना है किसी को आदत होती है कि हमेशा मिठाइया खाते रहते हैं मैं वैसे मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ यानी उनको पता होता है कि हम गलत चीज़ें खा रहे हैं अब क्यों ना ऐसा हो कि अगर हम इस वी को यानि उसके मुताबिक इंग्लिश फोल्डर को अगर फॉलो कर देंगे तो उसका भी एक ठीक है एक अपना फ़ायदा है लेकिन आप जो अगर एक मुहर्रम को मुहर्रम मानते हुए अल्लाह का हुरम वाला यानी पाकिज़ा और हुरमत वाला पाक महीना मानते हुए और ये फिर जो शुरू में हमने अर्ज़ किया है कि कितने कितने ऐसे अच्छे अच्छे वाक़ात इसमें हुए उन सारी चीज़ों को सामने रख कर अगर हम कहेंगे कि यार अब इस महीने में बड़ा बरकत वाला है तेरा मुहर्रम हरमत वाला महीना है इस महीने में मैं ये इरादा करती हूँ मैं ये इरादा करता हूँ कि मेरे ये जो सेहत की गली ग़लत आदत है सेहत को बीमारी की तरफ़ ले जाती है ग़लत आदत में बस में शामिल हो गया हूँ तो मुझे इससे निजात फरमा तो आप देखिएगा कि अल्लाह रब ऐसी बरकत ताफ़रमाएँगे किसी को स्मोकिंग की प्रॉब्लम होती है आप वो छोड़ सकते हैं गुरमत वाला है हराम यानी आ, आ, पाक महीना है तो आप ये अर्ज़ करते हैं कि यार जैसे सिगरेट जो है मस मेरे गुर्दों को भी तबाह कर रहे हैं अंदर सारी गंदगी गंदगी कार्बन जा रही है तो यार अब इस महीने के सद के मुझे ये तोफ़ी दें कि कम अज़ कम मैं इससे निजात ताफ़रमा ये है अब दूसरी तरफ़ है आप आखरत की ले लें अब जिसम में ही है आपने कहा कि यार अब मेरे दिल को यानी इस धुएं से पाक कर सिगरेट का यानी दिल की बीमारियां होती हैं तो अब आप एक तरफ ये अर्ज करें कि यार अब मुझे जो जिस्मानी जो बीमारी आती है इससे गलत आदात से तो इससे निजात था फ्रम इसके साथ ही आप ये अर्ज कर दें कि यार अब जिस तरह तूने ज़ाहिरन मेरे दिल को पाक करना है बीमारियों से गलत आदात से यार अब इसी तरह मेरे दिल को जो जो रूह है उसका भी एक दिल है और वो इसी जगह है यार अब उसमें भी अपना नूर फरमा तो आप देखिएगा कि इन शाला इससे डबल बरकत आ जाएगी मैंने आपसे शुरू से कहा था ना कि नहीं एक ही जगह दोनों रहते हैं लाजिम मलज़ूम है वाला वलाखिरा एक ही जगह है और हमारे दिल में ही ढूंढ लें अगर हम दिल पर देखें आकर आलाम ने हदीसें नहीं फरमाई है फरमाया कि अल्लाह रब्रज़त की जो ज़ात है वो कम वो मकाना से हर चीज़ से पाक है तो आकर सलाम ने फरमाया कि हदीसें खुद सी है कि हज़ुर सलम ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाहबत फरमाते हैं कि मैं किसी जगह नहीं समाता कायनत में मैं किसी जगह नहीं समाता सिवाय मर्द मोमिन के दिल में यानी ये जो मोमिन का या मोमिना का दिल होता है फरमाया मैं उसमें समा जाता हूँ तो हम अगर नीचे देखेंगे दिल की तरफ तवज्जो तो करेंगे तो हम कहेंगे यार अब तो इस दिल में रहता है तो इस दिल को अपनी फरमा इनशा इस पर मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा क्योंकि ये मौजू की इब्तदा और ये मौजू आगे है लेकिन सात कॉलर्स भी हैं तो आइए चलते हैं कॉल्स लेते हैं वालेकाम वरम वुजार हूँ अभी जो आपने फरमाया कि रब दिल में रहता है अगर दिल में रहता है तो जो जो दिल पा, नापाक हो जिसमें आपने पहले बोला कि नबियों को भेजा गया उनको उनको इलम की बेराज देकर भेजा गया ठीक है और उनके सीने पाक और साफ़ से अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और तो उनके जरिए इंसानों को इंसानियत का मकाम दिखाया और अभी जो आपने फरमाया कि इंसान के दिल में रब रहता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जहाँ रब रहता है वहाँ बेनमाजी बेउदगीब बद जबानी भी हो और र भी रहे ये 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 बुध भी रहे और रही रहे ये, ये मुझे जरा आपकी बात समझाने की जरूरत है वो दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ आपने फारूक आजम का जिक्र किया हम मुसलमानी होने का कथे हम मुसलमान हैं, हैं। उलमाए कराम बड़ी तकनीक से कुरान सुनाते हैं हदीस बयान करते हैं मालूम होता है ये अभी उतर रही है फारूख आजम ने चीफ जस्टिस बैठा हुआ था तो आप चीफ जस्टिस के फरमाया फारूक आजम मेरे साथ मेरे साथ बैठो आपने फरमाया चीफ जस्टिस जी आप आज से फारूक हैं आप इस जस्टिस की सीट पर नहीं बैठ सकते क्योंकि आपने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की है मैं इस आजम नहीं मैं और मेरा साथी जो हम मुजरम आए हैं मुजरम मुजरम होता है और क्या ये मुसलमान आज ये बात कबूल करने के लिए उन्माए कराम आपने पर या हमारे हुक्मरान अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार होते माशाला बड़ी खुशी आप शामिल हुए हमेशा की तरह बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातें करके और आपने जो सवाल किए मैं इनशाला इसकी तरफ भी उम्मीद है यानी इसी मौजू में आ जाऊँगा ना आए तो इन शाला सवाल के मत, वक्त जो है आपका भरपूर जवाब दूँगा लेकिन बड़े खुश होता है जो है ख़ुशी होती है आप बड़े अच्छे अच्छे सवाल भी लेके आते हैं और चीज़ें भी शेयर करते हैं तो नाजर मोहतरम मैं अर्ज कर रहा था अभी उधर से ही बात उठाते हैं कि अल्लाह रबत ने फरमाया कि मैं जो है हदीस कुदसी है कि मैं कहीं पर भी नहीं समाता सिवाय मोमिन के दिल में यानी ये दिल जो है अल्लाह रब इज़त का बसेरा है उसके रहने की जगह है अब यहाँ पर यह ना हो यानी अल्लाह रब इज़त मकानात से जगहों से हर चीज़ से पाक है यानी वो जब अल्लाह रब इज़त ये फरमाते हैं इस किस्म के जो है तो उसका मतलब होता है उसकी शान के लायक अब जैसे हदीस है आकलम ने फरमाया किज़ती फरमाते हैं कि मैं हर रात आसमान दुनिया पर आता हूँ और पुकारता हूँ कि कोई है मुझसे मफ़रत मानने वाला कोई है मुझसे शिफा मांगने वाला यानी फिर रमज़ान में तो और भी ज़्यादा उसकी जो है आमद होती है तो मतलब इसका क्या होता है उसकी शान के लायक सिंपली आप अपनी जुड़ा जान छुड़ा दें ई ये अक़दे का मसला है तो इसमें यानी ये ख़दशा नहीं होना चाहिए हम ये करते हैं जब ये ये इशारतन बातें होती हैं यानी उसकी शान के मुताबिक अब ये हमारा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये दिल की बात हो रही है और इंसान के मकाम की बात हो रही है कि इंसान तो सुन इतनी इतनी अजीम जगह हैं फरमाया कायनात में कहीं पर भी नहीं समाता सिवाय मोमिन के दिल में अब यहाँ पर बात हो रही है मोमिन के दिल में तो मतलब क्या है कि हर दिल में नहीं वो दिल जो और गंदगी से भरा हुआ हो और उसमें शिरक भी हो गुनाह भी हो गुनाकारी भी होबत भी चल रही हो साथ जो है दूसरा धंधा भी चल रहा हो जैसे हम जिक्र में करते हैं हाथ में तस्वीर होती है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिल में पता होता है ज़ेन में ख़्याल होता है चेहेज़ इसको भी मारना है इसके भी ये साथ करनी है इसके साथ ये ज़्यादी करनी है उसने ये ये किया है ये भी करना है और साथ अल्लाह ला अल्ला, अल्ला। तो जब ये ज़िक्र होता है तो अल्लाह बज़त की ज़ात भी कहती है अच्छा मेरे भी बंदे हैं ठीक है एक तू भी है यानी मछलियों को भी रिस्क देना है चींटियों को भी रिस्क देना है एक जो है यानी मेरे फरिश्ते भी हैं उनकी भी लुक आफ्टर करनी है और इंसान भी है उनकी भी लुक आफ्टर करनी, करनी है एक तू भी है बस था ठीक है आ जा आ जा फिर हम जिस तरह दोगला मामला करते हैं उधर जब यही होगा और ये क्यों होगा इस पर हदीस देता हूँ आकर इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह बजत फरमाते हैं आइन दन आबदी बी कि जिस तरह मेरा बंदा मेरे साथ जो सोचता है मेरी जात के मुतालिक सोचता है और जिस तरह वो चाहता है कि मैं उसके साथ हूँ जो भी उसका इरादा होता है मैं उसके मुताबिक उसके साथ मामला करता हूँ अब ये हदीस भी सामने रख लें और ये हदीस भी सामने रख लें कि वो इस दिल में रहता है यानी वो इस दिल में समाता है और हमें अल्लाह और अल्लाहब ने मुसलमानों होने के नाते यानी ये समझ बूझ दी है तो अगर क्यों ना हम मुहरम्लहराम का महीना हो प्यारा इस्लामिक फर्स्ट मंथ ऑफ जो है यानी इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक महीना हो इतना हरमत वाला महीना हो हम नीचे देख कर ये कर दें कि यार अब तू इस दिल में समा जा इस दिल में आ जा तो जब वो इस दिल में आ जाएगा तो यकीन जानिए सारी नफ़रतें भी निकल जाएंगी कदूरतें भी निकल जाएंगी कोई आपके साथ हसद करता है नहीं करता वो खेस यानी आपका दिल ऐसा हो जाएगा अल्लाह हमें ऐसा ही दिल मैं तो इसके और भी कुछ चीजें हैं लेकिन एक कॉलर उनकी कॉल लेते हैं जी अमेकुम जी क्या जी खैरियत अच्छा आप बता रहे थे के बारे में मैंने ये कहना है आप को को कलमा शहादत पढ़ना चाहिए इस महीने में और जितनी भी इबादत हो सके करनी चाहिए यानी कौन सी चीज करनी चाहिए हेलो मतलब कुरान पाक पढ़ना चाहिए इसमें ठीक है यानी कौन सी इबादत इसमें करनी चाहिए ये आपका सवाल है नहीं?

ये जो चीज़ फरमाई इंशाल्लाह इस पर भी आता हूँ नेक्स्ट कॉल लेते हैं सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम सलाम जनाब क्या हाल है खरीद से नाउ यू सो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मोर ब्यूटीफुल आंसर यू गेव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिस्टर एम खान ब्यूटीफुल आंसर यू आर वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बाय स्कॉलर इज दैट वेल वी इन आवर लाइफ एज मुस्लिम शुड पीस लव

जी अल्लाह का शुक्र आपसे एक तो सवाल पूछने थे एक तो ये पूछना था कि ये सूरत कौसर है ये हम हर नमाज के बाद मतलब सात दफा पढ़े तो उससे मतलब कहते हैं कि अल्लाह का रिस्क मिलता है और अगर ये ये सात दफा पढ़ के अपने उलाक के ऊपर पहके तो मुसीबतों और परेशानियों से रहते हैं दूर रहते हैं तो इसके अलावा एक और सवाल था कि मैं आपसे तो यकीन करेंगे ये मेरे साथ दस साल से तो हो रहा है जैसे मैं यूके के आई हूँ तो यहाँ हर फ्राइडे को और हर थर्सडे को मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है कभी कोई ना कोई मैं बीमार हो जाती हूँ और शदीर किस्म की और मैं पढ़ नहीं सकती कुरान नहीं पढ़ सकती बड़ी और बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ती हूँ ये मेरे साथ दस साल से तो हो रहा है समझ आती एक कि, कि क्या मेहस हो रहा है को को ये अच्छा, साथ होता है हर और को। जी ये बड़ी मैं पूरी कोशिश करते हुए इस कुरान लेकिन, लेकिन नहीं पढ़ सकती मेरे इतनी क्या हो जाता है थोड़ा सा उसका अगर इशारा दे दें में पेन आंखों में दर्द और पूरा जिसम जैसे चकरा जाता है इस तरह से ठीक है तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कु मतलब बहुत तकलीफ में होती है ये, ये दो दिन मेरे पे बहुत कहना तो नहीं चाहिए बड़ी मुसीबत में, में हुँ हुँ. ये। मैं गुजारती हूँ ठीक है मैं इंशाल्लाह इस पर भी अर्ज करता हूँ नाज़रीन मोहतरम चूँकि अभी प्रोग्राम का बिल्कुल इख्तिताम होने वाला है तो सवाल आया था कि क्या इबादत करनी चाहिए कुरान पढ़ना चाहिए बिल्कुल इसमें कुरान पढ़ें जो भी इबादत करें इबादत सिर्फ़ अल्लाह की जात के लिए होती है और उसके साथ साथ ज़ाहिर बात है, अगर दरूद पाक आप पढ़ें जो भी दरूद शरीफ़ आप आपको आए दरूद इब्राहिम हो या और भी दरूद हो और जिसमें अगर हजरम की आल का भी आल का भी ज़िक्र हो यानी महमदिन वाल सईद ना मुहमदिन तो ये भी इन शे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और भी जो इबादत हो फिर उसका सवाब आप सबको जो है सेंड कर दें सरा कोसर बिल्कुल इससे रिस्क भी मिलता है बड़ी जो है बरक़तें मिलती हैं इसके साथ साथ जो है सराय वाक़ा का भी जिक्र आता है कि उसको भी अगर मग़ब के बाद पढ़ लिया जाए सलातुलमरब तो उस उससे भी अल्लाह रब रिस्क में कुशादगीता फरमाते हैं हर सूरत के जो है बड़े बड़े इनाम हैं तो बिल्कुल सराय कोशर सर ये बड़ी अज़मत वाली सूरत है बिल्कुल इसका विर जारी रखी आपने फरमाया था कि हर जुम्मे और हर जुमरत को कुछ ना कुछ हो जाता है जिसमानी तकलीफ वगैरह तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है मुहरमल हराम का महीना है खसूसी तौर पर दुआ करें कि अल्लाह रबत जो है इस इस महीने की बरकत से या अल्लाह की मुझे आज़माइशों से बचा नंबर दो और भी नजर मोहरम आप भी ये जो है कर सकते हैं तो ये नजर महतरम प्रोग्राम के अख्ताम है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में असलकमल वबरक